श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वजह है कि जहां हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा भगवान भोलेनाथ का भी वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता ग्रह में प्रवेश करती है, यानी नकारात्मकता बढ़ती है और घर में बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। हालांकि इन बातों का ना ही कोई धार्मिक महत्व और ना ही कोई वैज्ञानिक आधार है, मगर फिर भी काफी समय से लोग इन बातों को मानते आ रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं कि अपने रसोई घर में किन चीजों को कभी भी खत्म ना होने दें, जिनसे हमेशा आपकी बरकत बनी रहती है। सबसे पहला हम अनाज से शुरू करेंगे। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई घर में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है, तभी लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आटे के डिब्बे को कभी भी पूरी तरह खाली ना होने दें। कहा जाता है कि कनक यानी सोना, कनक गेहूं को कनक कहा जाता है और गेहूं का आटा कभी भी हमारे घर खत्म नहीं होना चाहिए। भले ही एक मुट्ठी ही उस डब्बे में क्यों ना पड़ा हो, पड़े रहने देना चाहिए। उसमें नया आटा ला करके ट्रांसफर कर देना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी कभी खत्म नहीं होगी आपके घर से। यदि आप पूरा डिब्बा एक साथ खाली कर देते हैं तो आपके घर धन की कमी होती चली जाती है। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि भी होती है और समाज में आपके मान प्रतिष्ठा सम्मान में भी कमी होती है। दूसरा है हल्दी। हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और हल्दी के नजरिए से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह भी माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है, गुरु दोष अगर हो जाता है तो आपके पास धन कम होने लगता है और करियर में भी आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही आप हल्दी लेकर आ जाएं, या फिर आप एक छोटे डिब्बे में अलग से थोड़ी सी हल्दी रख करके रखें और वो माता अन्नपूर्णा के फोटो के स्थान पर रख दें। हम सभी के घरों में, रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की तस्वीर होना बहुत जरूरी है। अन्नपूर्णा माता की तस्वीर के पास आप इन चीज़ों को जरूर रखें जो हम बता रहे हैं। कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें। लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं, इसलिए हल्दी हमेशा घर में होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ लोग मानते हैं कि चावल रसोई घर में उतना ही रखना चाहिए जितना कि प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन चावल कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। चावल यानी धान हमारे देश में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है धान। धान के जो हम कनक गेहूँ और चावल भगवान भोलेनाथ को, माता लक्ष्मी को और समस्त देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, तो उसे भी कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध शुक्र से माना जाता है और शुक्र ऐश्वर्य वृद्धि और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, भौतिक सुखों का कारक होता है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष से माना गया है, तो आप कभी भी यह दोष ना लगने दें। अपने घर में चावल का बर्तन कभी भी खाली ना होने दें, उसमें भले ही एक मुट्ठी चावल पड़ा रहे, चावल का डिब्बा कभी भी खाली ना करें, उसमें नया चावल लाकर दूसरा डाल दें, लेकिन उसे पूरा खाली नहीं होने देना चाहिए। अन्न धन की कमी हो जाती है जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती हैं। अगला है रसोई घर में नमक खत्म होना। नमक कभी भी खत्म नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि नमक का डिब्बा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा सा नमक हो। नमक राहु केतु सारे दुष्प्रभावों से हमें बचाता है, साथ ही हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करता है, हमारे बिगड़े काम भी दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में लगातार एक सप्ताह तक नमक का पोछा, नमक के पानी का पोछा लगा लेते हैं, तो आपके घर से सारे दुष्प्रभाव चले जाते हैं, पॉजिटिविटी आपके घर में आने लगती है, साथ ही आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी भी आने लगती है। नमक बहुत ही सिद्ध उपाय है, आपके घर से बुरी नजरों को भी दूर कर देता है। ध्यान रखें कि नमक का डिब्बा कभी भी खाली ना हो,
उसमें आप नमक रहने दें थोड़ा सा। दूसरे के घर से कभी भी नमक ना मांगे, यह बहुत ही अशुभ होता है। आप किसी को नमक दे भी ना अपने घर से, ये भी अशुभ होता है। कभी भी किसी से नमक लेना नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने घर का भंडार सदैव के लिए खाली भी कर सकते हैं। तो कभी भी किसी को अपने घर से, रसोई घर में से नमक ना दें। नमक कभी भी दिया नहीं जाता है, ना ही लिया जाता है। खाना पकाने का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि बाजार से तेल खत्म होने पर ही लेने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में पहले से ही तेल लेकर आ जाना चाहिए। पूरा खत्म होने से पहले तेल जरूर लाना चाहिए। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है, इसलिए सरसों का तेल आपके घर में होना ही चाहिए। भले ही आप उसको खाने में इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अपने घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करें, या फिर तुलसी के सामने करें, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे करें। शनि दोष कभी भी नहीं लगेगा आपको। आप इन छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखें। और भी उपाय हमने अलग अलग डाल रखे हैं पूरी डिटेल में, आप उन्हें उपायों को जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय माता दी।